हाय नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या एडू गातामध्ये स्वागत करतो। हॅलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडू गातामध्ये स्वागत करता हूँ। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में क्रिया के काल का दूसरा पार्ट देखने वाले। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको काल क्या होता है ये बताया था, इंट्रोडक्शन था। काल क्या होता है, काल के कितने भेद होते हैं ये भी बताया था, जिसमें मैंने वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल इसके इंट्रोडक्शन दिया था, और वर्तमान काल के तीन भेद भी मैंने पढ़ाए थे। तो आज के पार्ट में हम लोग भविष्यत काल और भूतकाल देखने वाले। तो वीडियो जो है वो पूरा देखना, जिससे आपको भूतकाल और भविष्यत काल के बारे में सारी जानकारी सही से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली भूतकाल के भी तीन भेद होते हैं। कौन से तीन भेद होते हैं जान लेते हैं। सबसे पहला भेद है सामान्य भूतकाल। क्या है? सामान्य भूतकाल, जिससे भूतकाल की विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मतलब ऐसी क्रिया जो हो चुकी है, जो भूतकाल में हो चुकी है, बट उसके समय का, उसके विशेष समय का ज्ञान ना हो, ठीक है, जिस समय पे वो क्रिया हुई है उसका कोई इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं मिल रहा हो, दैट इज सामान्य भूतकाल। समझ में आ गया? ओके, तो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है मोहन आया। अब मोहन आया, इससे आपको ये जो क्रिया घड़ी है, ठीक है, जो क्रिया खत्म हुई है भूतकाल में, मोहन आ गया, ठीक है, बट आपको उससे कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन मिल रही है मोहन के बारे में? नहीं। कब आया, कैसे आया, कुछ मिल रहा है? नहीं। तो दिस इज सामान्य भूतकाल। एक और एग्जांपल देखो, श्रीराम ने रावण को मारा। श्रीराम ने रावण को मारा, बस इतना ही पता चल रहा है, ठीक है। कब मारा, कैसे मारा, भूतकाल में मारा, इतना पता है आपको, बट मारा, कोई विशेष इन्फॉर्मेशन, कोई विशेष ज्ञान मिल ही नहीं रहा ना, तो ये आपको क्या हो गया, सामान्य भूतकाल। अब दूसरा भेद देखते हैं। दूसरा भेद इज अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल क्यों रिपीट किया मैंने, क्योंकि इसके नाम में ही इसका मीनिंग छिपा है, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल जो कि पूरा नहीं हुआ है। डेफिनेशन देखते क्या कहते हैं। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब ऐसा भूतकाल, मतलब अपूर्ण भूतकाल इस भूतकाल जिसमें जो क्रिया घट रही थी, जो क्रिया हो रही थी, जो भूतकाल में थी, बट भूतकाल में भी वो इनकम्प्लीट ही थी। भूतकाल में भी वो क्या थी, क्रिया इनकम्प्लीट थी। अब इनकम्प्लीट को हिंदी में क्या बोलेंगे, अपूर्ण कहेंगे। अब अपूर्ण था, क्या अपूर्ण था, कार्य अपूर्ण था। कब अपूर्ण था, भूतकाल में, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल। नाम में ही उसका डेफिनेशन, उसका मीनिंग छिपा है। अपूर्ण भूतकाल मतलब भूतकाल में ऐसी क्रिया जो पूरी नहीं हुई है। सिंपल एग्जाम्पल देखो, सुरेश गीत गा रहा था। सुरेश कौन सी एक्टिविटी कर रहा था, गीत गा रहा था, ठीक है, गाने की एक्टिविटी कर रहा था। बट जो गाने की एक्टिविटी भूतकाल में उसने किया है, वो गीत गा रहा था, ठीक है, स्टिल ही वो सिंगिंग इन द पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस में वो गा रहा था, इसलिए क्या हो गया, ये अपूर्ण भूतकाल। रीता सो रही थी, रीता सो रही थी, शी वॉज स्लीपिंग इन द पास्ट, शी वॉज स्लीपिंग इन द पास्ट, वो पास्ट में सो रही थी, इसलिए मैंने क्या बोला, सीता सो रही थी। अब ये सोने की एक्टिविटी उसकी कंटिन्यू चल रही थी ना पास्ट में, इसीलिए मैंने उसे कहा सीता सो रही थी, और इसीलिए ये एग्जाम्पल किसके अंडर आता है, अपूर्ण भूतकाल। अब जो थर्ड भेद है उसके बारे में बात करते हैं। थर्ड भेद इज पूर्ण भूतकाल। एग्जैक्टली इसके अपोजिट, इसमें कोई भी एक्टिविटी जो भूतकाल में घड़ी है उसके इनकम्प्लीट रहने की संदेश हमें मिल रहा था। ये ऐसा भूतकाल है जिसमें कोई भी एक्टिविटी जो भूतकाल में घड़ा है उसके पूरे होने की इंडिकेशन या फिर संदेश हमें मिल रहे, दैट इज पूर्ण भूतकाल। जैसा नाम वैसा भेष, मतलब नामों में ही उसका जो मीनिंग है वो छुपा है। डेफिनेशन क्या कहता है देखते हैं। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है। किसके समय का, समाप्ति के समय का, मतलब क्रिया समाप्त हो चुका है, ऐसा जब इंडिकेशन, ऐसा जब इंफॉर्मेशन या सिग्नल हमें मिलता है तो यह क्या हो गया आपका, पूर्ण भूतकाल। अब एग्जांपल देखो, उसने श्याम को मारा था। उसने जो है श्याम को मारा था। अब यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी डिस्कस हुई है, मारने की एक्टिविटी, बट ये मारने की एक्टिविटी भूतकाल में तो हो चुकी है, बट वो मारने की एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, द एक्टिविटी इज बीइंग कंप्लीटेड इन पास्ट टेंस, दैट्स व्हाई इट इज पूर्ण भूतकाल। उसने श्याम को मारा था, कंप्लीट कर दिया एक्टिविटी। सेकेंड एग्जाम्पल, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, राज तो किया था बट वो भूतकाल में किया था, और राज जो है वो कंप्लीट, मतलब पूरा कंप्लीट उन्होंने राज किया था, मतलब जो एक्टिविटी थी वो कंप्लीट हो चुकी थी बट वो पास्ट में हुई है, इसलिए हम लोग इसको किस में गिनेंगे, पूर्ण भूतकाल में, ठीक है, किया था।
मारा था, ये हो गया पूर्ण भूतकाल। अब भूतकाल आपको समझ में आ गए, अब हम देखते हैं भविष्यत काल और उसके कितने भेद होते हैं वो भी जान लेते हैं। ओके, तो अब देखेंगे भविष्यत काल क्या होता है। सबसे पहले जान के लेते हैं भविष्यत काल क्या होता है। भविष्यत काल, भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी क्रिया जो भविष्य में होने वाली है, जो फ्यूचर में होने वाली है, उसे हम लोग भविष्यत काल कहेंगे। सिंपल है, जो पास्ट में होने वाली है उसे भूतकाल कहते हैं, जो प्रेजेंट में होने वाली है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वैसे ही जो भविष्य में, जो फ्यूचर में होने वाली है, उसे हम लोग भविष्यत काल कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, वह कल घर जाएगा, वह कल घर जाएगा। अब घर जाने की जो एक्टिविटी है वो कल होने वाली है, ना कि वो हो रही है ना कि वो हुई है। अब वो होने वाली है, वो भी कल, विच इज इन द फ्यूचर, दैट्स वाई इट इज भविष्यत काल। हम सर्कस देखने जाएंगे। अब देखने जाने की जो एक्टिविटी है अब तक ना हुई है ना अभी हो रही है, वो होने वाली है। कब होने वाली है? वो कि फ्यूचर में होने वाली है, दैट्स वाई इट इज़ भविष्यत काल। समझ में आ गया। अब आपके सिलेबस में भविष्यत काल का एक ही भेद दिया है, ठीक है, जो कि सामान्य भविष्यत काल है। अब सामान्य भविष्यत काल क्या कहता है जान के लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। मतलब ऐसी क्रिया जिसका जो कार्य है वो सामान्य रूप से हो रहा है, एकदम नॉर्मल वे से हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? भविष्य में हो रहा है, बट एकदम सामान्य रूप से हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सामान्य भविष्यत काल। एग्जाम्पल जान के लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, वह घर जाएगा। अब वो जो घर जाने की एक्टिविटी है वो फ्यूचर में हो रही है, ठीक है, मतलब फ्यूचर में होने वाली है। घर जाने की एक्टिविटी फ्यूचर में होने वाली है, जाएगा, ठीक है, बट नॉर्मल वे से हो रही है वो एक्टिविटी, या फिर नॉर्मल वे से होने वाली है फ्यूचर में एक्टिविटी, दैट्स वाई वी कॉल इट एज सामान्य भविष्यत काल। सेकेंड एग्जाम्पल, दीपक अखबार बेचेगा। अब जो दीपक की अखबार बेचने की जो एक्टिविटी है वो फ्यूचर में होने वाली है, बट वो जो बेचेगा वो सामान्य रूप से बेचेगा, दैट्स वाई वी कैन कॉल इट एज सामान्य भविष्यत काल। समझ में आ गया आपको सामान्य भविष्यत काल क्या है? ठीक है, तो आज के पार्ट में हमें यही रुकना होगा। अगर आपको ये पार्ट इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो एक लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में वीडियो को शेयर करना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।